यूपीपीएससी ने एग्जाम संबंधित नोटिस जारी किया जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसके अनुसार किस एनटीपीसी की एग्जाम कई चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें एनटीपीसी की एग्जाम में लगभग 1.25 करोड़ के अभ्यर्थी है, जिसमें से आवेदन किया 1.25 करोड़ ने। पहले चरण में केवल 23 लाख उम्मीदवार की परीक्षा ही आयोजित होगी। पहला चरण की एग्जाम है वो 28/12/2020 से 13/1/2021 तक आयोजित किया जाएगा। जो पहले चरण की एग्जाम है वो 28/12/2020 से 13/1/2021 तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। शेष पात्र उम्मीदवारों के बाद के चरणों में निर्धारित की जाएगी, और जो बाकी के उम्मीदवार है उसकी एग्जाम की डेट है बाद में घोषित की जाएगी। जो बचे हुए 1.25 करोड़ में से 23 लाख उम्मीदवार है ना, पहली चरण में 28/12/2020 से 13/1/2021 तक आयोजित होगी, और बाकी के उम्मीदवारों की एग्जाम डेट बाद में आएगी, ठीक है। अब बता देते हैं कि जो एडमिट कार्ड आएगा वो परीक्षा से 4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। 4 दिन पर RRB की वेबसाइट पर आ जाएगा, जो RRB की अनेक वेबसाइट है ना उन पर जारी हो जाएगा 4 दिन पहले। अब बता देते हैं कि यदि किसी की पंजीकरण संख्या आवेदन संख्या गुम हो गई हो तो उसके लिए भी लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। वो अपनी जनरल डिटेल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलते रहे।